नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच में उन्हें अंतिम एकादश में रखना गलत फैसला नहीं होगा, क्योंकि दूधिया रोशनी में स्पिनरों को समझना बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल होता है। इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलने वाले कुलदीप ने एडिलेड में 17 दिसंबर से शुरू होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच के संदर्भ में बात की। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि रात में स्पिनरों की गेंदों को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि स्पिनर अलग अलग वेरिएशन का उपयोग करते हैं और ऐसे में गेंद की सिलाई की स्थिति का अनुमान लगाना आसान नहीं होता है। ये हमारे लिए फायदे वाली बात है। भारत का ये विदेशों में पहला डे नाइट टेस्ट मैच होगा। उसने इससे पहले 2019 में कोलकाता में गुलाबी गेंद से मैच खेला था। कुलदीप ने कहा, मुझे भारत के बाहर गुलाबी गेंद से मैच खेलने का अनुभव नहीं है, इसलिए देखना रोमांचक होगा कि इस मैच में खेल कैसे आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा, ये कहना सही नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में स्पिनरों का दबदबा नहीं रहेगा। ऐसे कई वाक्य हैं जब स्पिनरों ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों से कितनी जल्दी तालमेल बिठाते हो। कुलदीप ने कहा, हमने हाल ही में काफी T20 खेला है। टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए संयम बनाए रखने की जरूरत होती है। मानसिक दृढ़ता काफी महत्वपूर्ण होता है। छोटे फॉर्मेट में लंबे फॉर्मेट में खेलने पर आप कई चीज़ों की जल्दी जल्दी आजमाने की कोशिश करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में विकेट आसानी से नहीं मिलते, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण होता है। कुलदीप ने अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 2 मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है। उन्होंने कहा कि अगर उनके तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं और बल्लेबाज लय बनाए रखते हैं तो भारत इस बार भी सीरीज जीत सकता है। उन्होंने कहा, हमने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था और इसलिए हम सीरीज जीते थे। अगर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं और बल्लेबाज भी पिछली बार की तरह खेलते हैं तो हम इस बार भी जीतेंगे। बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इससे पहले खेले गए दोनों अभ्यास मैच ड्रॉ रहे। प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के लिए अच्छी बात ये रही कि भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।